मंत्री सह झामुमो प्रत्याशी दीपक बिरुवा ने कहा, हेमंत सरकार के विकास कार्यों को लेकर हर घर तक पहुंचे झामुमो कार्यकर्ता। झामुमो कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारी के लिए जुट जाने का आह्वान। मंत्री दीपक बिरुवा ने झामुमो सदर प्रखंड कमेटी के संघ की बैठक दिए कई दिशा निर्देश। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। चाईबासा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सदर प्रखंड के झामुमो नेता व कार्यकर्ता चुनावी मोड़ पर आ गए। सोमवार को सदर प्रखंड के सरनाडीही मतक महातू में झामुमो सदर प्रखंड कमेटी के संघ की बैठक की। इसमें माननीय मंत्री सह झामुमो प्रत्याशी श्री दीपक बिरुवा भी शामिल होकर कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। उन्होंने चुनावी रणनीति पर चर्चा करते हुए कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि झामुमो की हेमंत सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, अबगा आवास योजना, सर्वजनन पेंशन समेत कई योजनाएं धरातल पर उतारी हैं। अब 18 वर्ष की उम्र से ही युवतियों को भी प्रोत्साहन राशि मिलना शुरू हो जाएगी, जबकि हेमंत सोरेन सरकार ने पहले ही 21 से 49 एवं 50 साल से ही महिलाओं को पेंशन से जोड़ने का काम कर चुकी है। झारखंड सरकार द्वारा प्रत्येक कंज्यूमर को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है, बकाया बिजली बिल भी माफ कराया। ऐसे अनेकों अनेक कल्याणकारी योजनाओं से लाखों लोगों को आच्छादित किया गया है। लाखों लोग जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन भाजपा के लोग यहां के जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे जुमलेबाज व ठगबाजों से सजग और सतर्क रहने की बात कही। दीपक बिरुवा ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर झामुमो कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर हर घर से संपर्क करें। उन्होंने कहा कि आगामी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी कार्यकर्ता जुट जाएं। झामुमो ही ऐसा राजनीतिक दल है जिसमें बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाता है। कहा कि चुनावी बिगुल बज चुका है, सभी कार्यकर्ता आने वाले चुनाव के लिए अभी से कमर कस ले। मौके पर झामुमो प्रखंड अध्यक्ष सतीश सुंडी, चंद्रमोहन देवगम, सुमी पूर्ति, मोनिका बोएपाई, चांद मुनि पूर्ति, अनीता पूर्ति, डुबलिया बारी, माना कोदादा, राजू सुंडी समेत अन्य उपस्थित थे। या कुछ रिएक्शन मिनार देना कभी अपने ना कर पाई इतने ना कर पाई इतने निकाह होते अब उतना निकाह होते इन तो पूरा हाथुरिया गांव का रियलिटी आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन तार है अब कमजोर रखना वो कोई चीज के उड़ो इतने कौन पाए सुना अपना जामन ते नहीं बड़ी तो कुछ अगर ये निपाय निपाते या जाना वो ये तो हो सकता है एक मत मानेगा इन्हें इन्हें मतलब सर्वेक्षण है खानी चाहिए आडो चिल्के वॉक है कि ना तो इतना वो मीटिंग है एक तो कमेटी सीनियर में तब वो प्रखंड नेता का चाहे सीनियर है तो वो जगह को तो जितना हो को इतना मीटिंग रखो जो इन्हीं के वो जगह रही लेकिन ना जो हुआ हुआ प्रश्न अपना प्रमुख लोग हुआ तो पूरा गांव का प्रमुख लोग से आप जा रहे हैं किनारे हो सकता है गांव का शिक्षक बोलेगा तो गांव का वोट कुछ डाइवर्ट होगा मुंडा या मानकी बोलेगा तो कुछ वोट डाइवर्ट होगा आंगनबाड़ी सेवी क्या बोलेगा तो कहने का मतलब जितना गांव में प्रमुख लोग हैं यदि आप वो कन्विंस ही है ना तो किस गाँव का एक तरफा होने का पूरा स्थिति बनता है नीना लगेगी साथ में क्या काम करना जैसे बैनर या